Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. नहीं, आज हमारे जो वायरलेस डिपार्टमेंट है उसकी डीपीसी थी, तो उस डीपीसी के लिए आया था। कितने पदों के लिए? तो उसमें एक पुलिस अधीक्षक पद और दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर हमारे पदोन्नति की प्रक्रिया हुई है। तीन अधिकारी प्रमोट हो जाएंगे हमारे नए। हैप्पी न्यूज़। और सहायता मिलेगी पुलिस को? नेचुरली, जो प्रमोशन होता है तो जो प्रमोट होता है उसका लंबे समय से प्रतीक्षा में है, वो तो थोड़ा सा उनमें उत्साह बढ़ता है, काम बेहतर होता है। सर, पुलिस के हिसाब से बताएंगे तो आपके आने के बाद कुछ आधुनिकता वाले नए काम शुरू हुए हैं, पुलिस को आधुनिक बनाने के लेकर कुछ? बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो हमारी साइबर कैपेसिटी बढ़ाना है, जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है, प्लस जो साइबर क्राइम्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष दक्षताएं हैं वो क्रिएट करने का काम है। इसके अलावा जो हम लोगों के एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, उसको दोबारा से एक बार पुनर्गठित करने की प्रक्रिया जारी है, तो उससे हमें लग रहा है कि थोड़ा काम में सुधार होगा, हमारे बेहतरी होगी। क्या सर, पुलिस जितना प्रयास कर रही है उससे ज़्यादा जो है ऑनलाइन ठग प्रयास कर रहे हैं, ठगी की वारदात को अजमेर की बात करें चाहे तमाम स्थानों पर? जब भी नए साधन आते, देखिए सड़कें आई, रेल आई, अब ये कंप्यूटर, जो भी नए साधन विकसित होते हैं अपराधी और पुलिस दोनों ही उसका उपयोग करते हैं, जो बेहतर उपयोग करता है वो अधिक सफल होता है, तो आगे पीछे खेले चलता रहता है। पुलिस बेहतर नहीं, नेचुरली पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ और होगा इम्प्रूवमेंट, लेकिन अपराधी वो ज़्यादा वो दिखते हैं, विजिबल परंपरागत अपराध कम हो गए हैं, बात वही है। पहले जो डकैतियाँ खुले में हुआ करती थी या मान लीजिए चोरियाँ, वो नहीं होती हैं, उसके बजाय दूर बैठ के लोग प्रयास करते हैं, पकड़े ये भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि पकड़े नहीं जाते, लेकिन काम करने का उनका तरीका और हमारा पकड़ने का तरीका दोनों बदल गए हैं। संसाधन तो देखिए, राज्य सरकार की जितनी सीमाएं हैं, आइडियल स्थितियां तो कभी होंगी नहीं, लेकिन जो जितनी संसाधन हमारे पास हैं उनका बेहतर उपयोग कैसे हो और उसको उपयोग करते हुए बेहतर पुलिसिंग कैसे हो, वो फिलहाल हमारा फोकस है। थैंक यू।